बिरला जी का ओएसडी घूम रहा है यहाँ पर मूंछ बढ़ा के साफा पहन के लंबा तुर्रे वाला, क्या मांगते हो आप यहाँ पर? आप सरकारी कर्मचारी हैं, ओएसडी बने तो बिरला जी का काम करो। आज आप ये समझ लो कि दादागिरी की पराकाष्ठा हो गई है। हम भी मंत्री रहे, बाबूजी भी मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता ये कह दे कि कांग्रेस का मंत्री रहते हुए इसने बीजेपी का होने की वजह से मेरा नुकसान किया, तो आप कहोगे जो मैं कर जाऊंगा। लेकिन आज देखते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट छांट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी निजी संपत्ति के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी के ट्रैक्टर जैसी भी हैं तो उनके चालान देखकर उनके घर से उठाकर चालान हो रहे हैं। ये एक बिरला जी का ओएसडी घूम रहा है यहाँ पर मूंछ बढ़ा के साफा पहन के लंबा तुर्रे वाला, क्या मांगते हो आप यहाँ पर? आप सरकारी कर्मचारी हैं, ओएसडी बने तो बिरला जी का काम करो। यहाँ क्या लेने के लिए घूमते हो आप? क्या है आपका यहाँ पर? जयपुर से स्वागत करा रहे हैं, टोंक में स्वागत करा रहे हैं, फोन करके कोई स्वागत कर ले, उनकी गलत फहमी है कि चुनाव लड़ लेंगे, दादागिरी करके चुनाव लड़ोगे क्या? आ जाना मैदान में, तो मैदान में आओगे जब पता लगेगा। कांग्रेस करी है, आपने जिले के पुलिस का हर महकमे का अधिकारी आपने सिफारिश करके खुद देख के लगाया है, किसी का भी कान मरोड़ देते हो, आपको क्या लगता है? इस प्रकार की दादागिरी हमने बहुत देखी, आजादी देश को दिलाई थी, अंग्रेजों ने जान निकाल दी थी कांग्रेस के नेताओं, तुम्हारे जैसे तो रोज के 356 निकालते, और जब चुनाव लड़ने आओगे ना एक बार आप तो एक काम करना पंचायत राज में घूम जाओ, जब बता देंगे तुम्हारे। स्वागत कराने से राजनीति नहीं होती, कोई लोगों को चुन चुन कर नुकसान देने से राजनीति नहीं होती, आम जन की सेवा करने से राजनीति होगी, सद्भाव पैदा करने से राजनीति होगी, अच्छा व्यवहार करने से राजनीति होगी, सत्पूर्ण और सब धर्म और सभी जाति के लोगों को साथ लेकर उनके अधिकारों की बात करने से राजनीति होगी। वो गए जमाने, देश ने मोदी जी और अमित शाह का ही बैंड निकाल दिया। इस बार अमित शाह जी किसी की सरकार गिरा देते थे, किसी के ईडी भेज देते थे, किसी के सीबीआई भेज देते थे, उनकी कटिंग करके भेज दिया देश के लोगों ने, जो तुम उनसे बड़े हो क्या? ये दादागिरी बूंदी के लोग तो सहन नहीं करेंगे, सहन करोगे क्या आप लोग? विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हो रहा, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें पर्सनल अटैक के अंदर सम्मिलित होंगे, आप जनता कानून के तहत काम कीजिए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता देखकर जो भी सम्मिलित होगा उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और जब राज आएगा तो उनका गाड़ी में तेल निकाल दिया जाएगा। अभी तो मान लो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सहन ही करेंगे, लेकिन जितना तुम सहन कराओगे उतना तेल निकाला जाएगा, और अपना टाइम आएगा। यहाँ एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैं वादा करना चाहता हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, जो डरेगा उसको और ज्यादा डराया जाएगा। आम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ो, आगे बढ़ो, एक रहो, डरो मत, बराबरी करो। अगर कोई डराता है डरो मत, और जब अपना टाइम आएगा, जब सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, हिसाब का बहुत पक्का हूँ, साल भर पहले वोट बता देता हूँ ना, इस बार इतने पड़ेंगे अपने। बताओ इंडोल नैनवा के लोग तो जानते हैं, साल भर पहले बताता हूँ ना इतने वोट आएंगे, उतने ही आते हैं कि नहीं आते?
उसे 2000 ज्यादा ही आते हैं, लेकिन 1000 कम नहीं आए कभी भी। तो गिनती का हिसाब का बहुत पक्का हूँ, और याददाश्त इतनी पक्की है कि कभी डायरी नहीं रखी। रोज 10 बादाम का खर्चा करता हूँ, अकाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके। तो ये जो लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं ना, इनका भी समय आएगा जब इनको बता देंगे। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ से कलेक्टर साहब के कार्यालय तक जाएंगे, क्योंकि छुट्टी है, तो शायद कलेक्टर साहब है कि नहीं है। एडीएम साहब मिलेंगे, उनको हम सब लोग इस ज्ञापन को देंगे, और एक महीने में तैयार हो जाओ, फसले वसले निकाल लो अपने। आज क्या तारीख है? 21। वैसे तो फसलें ज्यादातर गड़ गई, तो निकालेंगे क्या है ना। अगली 21 की घोषणा मैंने बाबूजी से, प्रेमी जी से इजाजत भी ले ली, और मेरी इच्छा भी है कि अगली 21 की मैं घोषणा करता हूँ। अगर तब तक किसानों के अधिकार उनके मुआवजे नहीं दिलाए, तो जब वो लोग अधिकार को दबाना जानते हैं, तो हम अधिकार को लेना भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी भी दिलाई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेलों में भी रहना सीखा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाना भी सीखा, लेकिन अंत में जनता को उसका फायदा होना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज तक जीवित है। ये बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, अरे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। अब बीजेपी तो अब जो इन्होंने नई बीजेपी बनाई है वो कांग्रेस 2 है। अब क्या है, बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं बची इस देश में। अब तो ईमानदार कांग्रेस और बेईमान कांग्रेस। जो बेईमान कांग्रेस थी वो बीजेपी में गई, ईमानदार कांग्रेस थी वो कांग्रेस में रह गई। बीजेपी वाले तो खुद पुराने स्तंभ रो रहे हैं। प्रेमी जी, जो बीजेपी भी जो है ना, वो बेईमान कांग्रेस, सारे बेईमान कांग्रेस उसमें गए, ईमानदार ईमानदार कांग्रेस में रह गए। तो साथियों, एक महीने बाद में 21 तारीख को यदि जिले के किसानों को फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो आज से ही हम अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायत में रणनीति तय कर ले। हम भी सब लोग दौरा करेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और सही बात बाबूजी हरिमोहन जी कह रहे थे कि पंचायत राज का चुनाव आ रहा है, पंचायत राज का चुनाव आ रहा है, जनता उसी को चुनेगी जिसको जनता का दुख दर्द होगा। लोग मेरे से पूछते हैं कि चांदना तो बार बार 15,000 बढ़ा के कैसे जीत जाता। मैं नहीं जीतता, जनता जीता, जनता का दिल जो जीतेगा वही चुनाव जीतेगा, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे पंचायत राज का हो। बिना जनता के दिल में बैठे, बिना लोगों के दिल में बैठे आप राजनीति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो लोगों के दिल में बैठना है तो उनके दर्द को जानो, उनके दर्द के लिए कोहराम मचा दो। 10 बार आंदोलन करेंगे तो 3 बार ही फायदा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 बार फायदा कराने के लिए 10 बार आंदोलन करना पड़ेगा, यह मैं आपको कहता हूं। 1 बार के आंदोलन का फायदा हर बार मिल जाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन फायदा होगा कि नहीं होगा यह सोचकर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं बचेगी कभी भी फायदा मिलने की जरूरत।